तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं DIY मिस्टर DIY में और आप देखते हैं ये किचन सेक्शन है, यहाँ पे सारे स्टील के आइटम है। यहाँ पे सारे स्पैटुला और स्पून ये सब है। यहाँ पे किचन के सारे आइटम है। ये पूरा कार का सेक्शन है, ये कार की चीजें हैं। चलो क्या है, टॉवल टॉवल नहीं चाहिए। चलो चलो क्या है पिशा, गीले चलो कहाँ चलना, रख दो। यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स हैं। क्या बोल रहे हो, देखो ये देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, गार्लैंड्स है, ये सब है, और छोटे छोटे से आर्टिफिशियल फ्लावर भी है। वहाँ नहीं चढ़ो, देखो कितने सुंदर सुंदर मिरर डिजाइन। भी मिरर बॉटल्स, ट्रैवलिंग बॉटल्स, देखो टेबल वेबल के लिए ना, ये देखो ये छोड़ दो उसको, रख दो। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हाय प्रीशा, प्रीशा हाय, हाय करो प्रीशा, आयुष। तो हम लोग आए थे ये मॉल में, इसी मॉल में हम लोग मिस्टर DIY में गए थे और अब आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं मॉल। यहाँ पे देखो कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है। हर्ष आइसक्रीम खा रहे हैं। ऋषभ कौन सी आइसक्रीम है बताओ, हर्ष पर्पल वाला, पर्पल हाँ ब्लैक कलर। हर्ष राजमा चावल खा चुका है। प्रीशा का केक पेस्ट्री और हर्ष कैसा है राजमा चावल? हाँ बताओ कैसे है, कैसे है? यम्मी? अगर आप भी हल्दीराम आए हो तो ये सब
जरूर खा के देखना। राजमा चावल उसके साथ में मेरे को अचार और प्याज और लस्सी तुम्हारी रपेट कर कैसी है लस्सी? इतनी मीठी है ना, मन कर रहा पूरा पी जाऊं। ऋषा वॉचमैन अंकल जो बैठते हैं, आज उनको रिटायरमेंट है, आज के बाद में वो यहाँ काम नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, डेढ़ महीना हो गया है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। नए नए होम टूर आपको दिखेगा अभी आगे और शिफ्टिंग वाले व्लॉग्स आप देख ही रहो। तो जब भी आते जाते हैं ना, तो वो अंकल से बातचीत ज़रूर करते हैं कि कैसे वो ठीक हो नहीं हो। तो आज जब आ रहे थे तब पता चला कि आज 8 बजे वो यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद में वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेंगे। तो ये सुन के ऐसे लगा कि कुछ हमारे तरफ से जितना हो पाए हमने उनको फेयरवेल गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना, उनकी एज आपको अभी दिखाएंगे तो बहुत एजड है वो, और इतने एज में भी वो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक हमारे तरफ से छोटा सा फेयरवेल गिफ्ट, इसमें कुछ साड़ी है, दो साड़ी उनके लिए कपड़े, तो ऐसे कुछ कपड़े हैं इसमें, और पहनने लायक नए न्यू है इसमें, ऐसा नहीं कि हम यूज्ड वाले दे रहे हैं, नए, और कुछ कैश। तो मैं ये दिखावा नहीं कर रही हूँ कि मैं ये देने जा रही हूँ, मैं ये इससे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके आसपास में भी ऐसे है, कोई बहुत एजेड है और वो काम कर रहे हैं, तो उनको एज अ गिफ्ट अपने तरफ से कुछ तो भी देना चाहिए। हम कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं और मैं कोई दिखावा भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि ऐसे लोगों को आपने थोड़ा बहुत अपने तरफ से देना चाहिए। तो ये चीज़ें काउंट होती है उनकी ड्यूटी के लिए, क्योंकि काफ़ी एज के हैं वो, जैसे कि अब आपको अभी हम दिखाएंगे। और चलो अभी हम वही देने जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए नीचे और यहाँ पार्किंग में बैठते हैं वो अंकल, तो अभी आपको दिखाते हैं बेसमेंट पर। अंकल कहाँ जा रहे हैं? ये दो राइट हैंड से दो हर्ष, ये वाला राइट हैंड से। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं देखे, और वो अंकल एक गाना भी गाए थे जो कि मैं शूट नहीं कर पाई उस टाइम पे, और वो मतलब थोड़ा इमोशनल गाना गा रहे थे वो अंकल, और बोल रहे थे कि हम कभी भूलेंगे नहीं ये वो, है ना हर्ष? कौन सा गाना गा रहे थे? मेरे